भाई देखिए पतंग आज फिर लड़ रही है मेरे के शोभित भैया के साथ, पूरा बैठा हुआ शोभित भैया। शोभित भैया क्या हो गया अभी, क्या चल रहा है स्कोर? पंजा हो गया। और उधर से दो और बचे, उधर से क्या क्या हुआ? उधर एक खत्ता हो गया, इधर एक खत्ता हो गया, बराबर हो जाएगा। देखिए इधर पीछे बोर्ड लगा हुआ है, पीछे भाई ने काट दिया पंजा। देखिए सब पतंगे तनी हुई इधर। आज आज शोभित भैया क्या लड़ रहा है? कल जहाँ पे वो लोग चढ़े हम लोग कल वहाँ पे थे। देखिए राहुल भाई मौजूद है हमारे साथ, भैयू भाई इधर पे पतंग लिए बैठे हम लोग। इधर नितिन भैया बैठे, इधर अक्षय भाई बैठे। और अक्षय भाई आज शौक नहीं हो रहा क्या? हो रहा है भाई, थोड़ी हवा की दिक्कत है। आज कम है, कल बहुत ज्यादा थी है। अच्छा और देखिए इधर आदिल भाई बैठे हैं पांच की आवाज देने के लिए। और आदिल भाई कैसे हैं? आज आदिल भाई के पापा भी आए हैं पतंगबाजी देखने के लिए। पापा के, हाँ पापा के मतलब दिखा दिया, हमारा शॉट लिया है, कुछ पूछा नहीं उनसे हमने कहा नहीं, बहुत एक्सपीरियंस है ना, बहुत ज्यादा हम लोग इतना है नहीं, ये कारण था। देखिए पंडित सालाना का लास्ट डे। अच्छा देखिए फिर से आज पतंग दिखाते हैं, आज खुशी में लड़ ली है। आज देखिए आज पौने लड़ रहे हैं, आज पौने लड़ रहे हैं, कल टोकी अद्दी लड़ी थी। अच्छा देखिए आज सब अरेंजमेंट है, खाने पीने का, पानी पीने का अभी आ रहा है, और पतंग लंच आ रहा है हम लोगों का। किशन भैया लोग थोड़ा पतंग धीरे दे रहे हैं, मतलब हवा के चक्कर में धीरे हो रहे हैं। छह पेज हो गए हमारी तरफ से, और आज किशन भैया लोग की छत दिखा देते हैं, कल जहाँ हम लोग चढ़े थे आज किशन भैया लोग वहाँ चढ़े। और देखिए पतंग उड़ के जा रही है वहाँ से, ये छत। और अभी बाकी लोग आए थे वो चले गए, कुछ चीफ गेस्ट आए थे जो कि अंकल के साथ के दोस्त थे। क्यों साथ के पुराने दोस्त थे ना अंकल के साथ जो है शॉप करते थे वो। अच्छा लेकिन उनके मतलब कि आज हवा नहीं थी, इस कारण वो चले गए। दूर दूर के प्लेयर थे वो सारे। अब ये हर साल होता है, अब ये हर साल सालाना हम लोग का लड़ेगा। अच्छा अच्छा 9th और 10th। अच्छा हाँ हर साल लड़ेगा सालाना, और 11 मार्च उनका बर्थडे है। ठीक है ये चीज़ वैसे सही है, पहले लड़वानी चाहिए एक दो दिन पहले। देखिए किशन भैया आज उधर है, शोभित भैया इधर है, हम शोभित भैया की तरफ से ही लड़ा रहे हैं, शौक कर रहे हैं, मतलब शौक हो रहा है, आपस में भाईचारे का शौक हो रहा है। इसमें कोई काटने कूटने से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे जितने कोई। देखिए अब 7वां पेच आएगा, चाहे जितना काट दे ये तुम देखो। देखिए पतंगे पतंगे खूब सारी पेच पे तनी हुई है, देखिए उनकी पेज पे हवा बिल्कुल नहीं है। देखिए हवा बिल्कुल नहीं है, देखिए दोनों पतंगे हवा में बिल्कुल नहीं लग रही। अभी पेज होता है तब दिखाते हैं 7वां पेज। देखिए 7वां पेच हो रहा है, ऊपर वाली पतंग किशन भैया की तरफ की है, नीचे वाली अपनी तरफ की है। और देखिए 7 पेच देखते हो पाते हैं, यानी देखिए चक्कर ले रही सामने पतंग, हमारी पतंगे आगे बहुत उड़ रही तार की, क्योंकि पतंग तेज लड़ रही है। देख ली देखिए चमक रही पतंग खूब तेज तेज, ये देखिए खूब तेज बाहर का खींचा और काट दिया 7 पेच हो गए। नितिन भैया आप खुश हो गए? आप एक साथ आपको भी देना है भाई। देखिए भाई ये साथ में क्या कहना चाहेंगे, साथ पे कैसे साथ रहे भाई? बहुत बढ़िया शौक हो रहा है आज का, और फर्स्ट टाइम हम लोग आए यहाँ पे। अच्छा काफी इंजॉयमेंट हो रहा है, अभी सामने वाले ने 7 काटे थे शिपुन भाई ने, और हमारी टीम ने बहुत खूबसूरत पेच काटे हैं 7। अच्छा दो पेज तो बहुत ताकत के लड़े हैं। अच्छा बहुत मजा आया पेज देख के, और हम लोग यहाँ पे आए हैं बात काफी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा लग रहा है, थमी भी है, बढ़िया मजा आ रहा है। अंकल जी आप बताइए कैसे काटे? सारे 5 पेज तो बहुत उम्दा काटे, 2 पेजों में ताकत का इस्तेमाल कर दिया। चलिए देखिए और अभी खूब पतंगे तनी हुई है, अभी देखिए लड़ती है तो देखते और क्या स्कोर होता है। अब गोलू भाई हमारे देखिए लड़ा रहे पेज, गोलू भाई जाएंगे पेज पे, धूप काफी तेज है,
अरुण अरुण लाओ आराम से धूप देखी काफी तेज है इसलिए दीवार का टेक लगाए बैठे हवा आ जाए धूल लगेगी और गोलू जा रहे हैं अब गोलू भी अच्छे पेड़ लड़ाते देखते गोलू क्या काटेंगे ये देखिए गोलू की पतंग नीचे नीचे जा रहे हैं नीचे का पेड़ लड़ाएंगे पतंग देखिए उसकी पेड़ से पहले ही फट गई उसकी उसकी पतंग फट गई चलो एक हो गया गोलू गोलू मेरी रील तो फायदा दे रही देखो अब दूसरे पतंग लड़ेगी हवा जबकि धीरे है तब भी पतंग फट रही है अच्छी बात ये कि आज आठ आठ नौ नौ पतंगे तनी भी तनी हुई हाँ सही कह रहे हो और अगर यही हवा होती तो बहुत शानदार शौक होता हवा दो तीन पॉइंट और तेज होती तो अच्छे लगता कौन से कान वाला शौक ये हमारे सीनियर प्लेयर है मिस्टर विशाल अच्छा ये वैसे कहाँ मिलेंगे हमको पतंग लड़ाते हुए आपको अगर हम लोग से शौक करना है हाँ हाँ तो आपको हर सब दिन जाना पड़ेगा क्राइस्ट चर्च कॉलेज पे अच्छा अच्छा छोटी नहीं लड़ती अच्छा मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है चलिए ठीक है देखिए अब गोलू जा रहे पेज के और गोलू नीली पतंग लड़ा रहे गोलू उसे देखिए गोलू ने अंदर का दिखाया बहुत बढ़िया ताकत से देखिए वहीं काट दिया बहुत शानदार पेज काट खींच के काट दिया अंदर का दिखा के और देखिए अब पतंग बढ़ रही है उधर से एक पतंग तो फट गई थी गोलू देखिए टावर के ऊपर वाली पतंग गोलू की नीचे की ओर बढ़ रहे हैं देखिए बाहर निकाली थोड़ा ऊपर लेके आएंगे देखिए अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे पतंग हल्की कम करी ये देखिए और ये रखी पतंग बहुत ही शानदार पेज देखे काट दिया दो पेज काट दिए गोलू ने पतंग थोड़ा सा कम धीरे धीरे उड़ रही है हवा के चक्कर से एक पतंग और तली है आगे देखिए गोलू का तीसरा पेज आ चुका है गोलू फिर से नीचे से है तेजी हाथों से अंदर बढ़े और वो थोड़ी बढ़ रखे सामने वाला पतंग अपनी खूब पतंग उड़ रही है आगे से आज भी संडे का दिन देखिए गोलू अंदर चढ़े हैं काफ़ी ज़्यादा और वो बड़ी रख रहा है पतंग घट नहीं कर रहा देखिए गोलू ने रोकी और उस गोलू ने बाहर की खूब ताकत से खींची थी और जैसे लगा पतंग छूते ही चली गई चलो कोई बात नहीं आपने गौर किया जब वो खेल लड़ाता है तो पंडित जी वो ढेलते रहते मंत्र पढ़ते रहते ये देखिए एक साथ हमारे नितिन भाई भी काट चुके हैं अच्छा कब कब नहीं काटा आपने अच्छा किसने काटा अच्छा वो लड़के ने पांच काट दिया ना उसने अभी पांच पांच काटे पांच काटे पंजा हो गया पूरा बात पांच की नहीं वो अच्छी लड़ा रहा है अच्छा कि भैया क्या देख रहे हैं नीचे रोड पे बस हमने यहाँ लड्डू का एशिया में ट्रैफिक देखे अच्छा उधर ये ट्रैफिक पतंग नहीं उड़ा रहे क्या आज नहीं आज नहीं पतंग उड़ाई हमने आज सबको उड़ाने दो अच्छा उड़वा के लड़ा दे मजा ले रहे हैं और भाई हमारे देखिए पांच काट चुके हैं भाई आगे जा गला ना खुला पाके लड़ा देखिए बड़े बाबू इशारा दे रहे कैसे लड़ाना देखिए पेड़ लड़ रहा है सामने नीचे से आ रहा है वो ये देखिए थोड़ा बाहर निकाल ले वो अंदर आ रहा है देखिए और ये देखिए खूब ताकत से रखा नीचे का और रोकी और कट गया पांच पेज काटने के बाद कट गया कोई बात नहीं बताए तुम्हारा झोल धीरा झोल दे दिया झोल दे दिया झोल पतंग नीचे चली गई काफी पतंग नीचे हो और देखिए शाम हो रही धीरे धीरे पतंगे खूब उड़ रही है इधर से उधर से भी खूब उड़ रही देखिए पार होके जा रही बराबर
चलो कोई बात नहीं, एक पंजा तो पहुंचा दिया। अक्षय भाई इधर से लड़ाएंगे या उधर से, यहीं से लड़ाएंगे? ये क्या होगा शोभित भैया, पेज से पहले ही आपकी टूट गई, पेज पे टूट गई पता है, नहीं वो नहीं टूटा, उसने निकाल ली पतंग अपनी बाहर। छतरी वाला वो भूसा मंडी में था, बुला लेते पचास रुपए देते, दिन भर वहाँ मैदान में रहता, दिन भर घोड़ी चराता था, दिन भर चटकी दिखाता था, शाम को फिर जमाना मतलब कभी नहीं चलाता था, तो बैठा सही है वो बढ़िया जमाने की बात है, पचास रुपए बहुत मायने रखती है, बहुत बढ़िया काट दिया तुमने। शोभित भी अब समापन होने वाला है, अरे अभी बहुत देर है, अभी एक घंटा है यार, अभी दो सप्ते अभी तो, बच्चे अभी दो घंटे बचे रहे पूरे पूरे, अभी दो सप्ते बच्चे हैं, रुक जाओ। अच्छा अभी अभी देखो शिवपूर्ण भाइयों दोनों हैं, तुमको हमने इतना मनोरंजन का जो है प्लेट दे दिया, छोटे से बच्चे ने 12 साल के बच्चे ने जो उनको पांच प्लेट गद्दे मार दिए, सही बात है। फिर और कुछ बताइए अंकल जी, पुरानी बातें, पुरानी बातें तो बहुत सी हैं, कुछ थोड़े तो हम बताएं। कितने हो गए से, चार हो गए, नहीं पहले मुड्ढा बनाया इन्होंने पूरा बाहर का सीधा, एक्चुअली तो यूं उतरना था हल्का सा, क्यों चार हो गए ऐसे, पेज अब तेल लड़ रहे, अब सही लड़ रहे पेज, पतंग में हवा भी तो बंदी है बेटा, अब हवा हाँ अब थोड़ी टिक गई है, देखिए ऊपर से जा रहे हैं वहां से घेर के मारने वाला भूता दे दिया, पतंग सेट कर रहे हैं, ये देखिए चलाया था और खूब ताकत से उतारा, कट गए आपकी बार, आपकी बार आपके यहाँ मुड्ढा नहीं बन पाया, रुक के चले ना उसमें आपकी, तभी तो उनकी पतंगे खत्म हो गई, बहुत बड़ा तुम लोग, देखिए नितिन भैया का पेज लड़ रहा है, तीन पेज काट चुके हैं, तीन काट दिए ना नितिन भैया ने, अच्छा चौथा लड़ रहा है, शाम की पतंगबाजी बिल्कुल समाप्त पे, नितिन भैया चढ़ रहे हैं अंदर, खूब तेज खींचते हैं अपनी छत से, ये देखिए बिल्कुल गिरता हुआ मुड्ढा खींचा, खराब हो गया कुर्सी में भी लड़ गया पीछे, देखिए भाइयों भाई जा रहे अपनी पतंग पार करके, तो शोभित भैया अगले साल फिर यही डेट में लड़ेगी पतंग, है दस हर साल लड़ेगी, अच्छा हर साल, अब चलिए चलिए देखिए पतंग फिर समाप्त हो गई, कुर्सियाँ वर्सियाँ हो गई, बैनर न उतर गया, अक्षय भाई की अभी अभी पतंग काट दी, दूसरी पतंग से चली गई, और देखिए नितिन भैया भी आज उड़ा रहे हैं, देखिए भैया भाई अब जा रहे पेज पे, अभी भी एक पतंग देखिए तनी हुई है, गद्दा मार रहे, एक नहीं दो तीन तनी उनकी तरफ से और एक अपनी तरफ से तनी, नितिन भैया आज बिजी शेड्यूल लेके आज आप पतंग उड़ा रहे हैं, अच्छी लग रही पतंगबाजी, अच्छा तो देखिए और ये हमारा और रोकी रोकी और रोकते ही चले गए, झट के दे रहे थे चले गए, लाइए चरखी देखिए हम ही को दिखा नहीं पाएगी इनको, लाइए दिखा रुकिए मुस्ताइए, और देखिए नितिन भैया आप जा रहे पेज पे बड़ी तेजी तेज तेज हाथ चला के जा रहे हैं, और शोभित भैया दिन भर के बाद पानी पी पा रहे बेचारे, शोभित भैया मस्जिद के बगल में जाके कट गए, देखिए नितिन लिया जा रहे हैं स्टेज पे, और आज का भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहा, अक्षय भाई आज मजा आई भाई, बहुत बढ़िया, और थैंक्स टू शोभित भाई, हाँ शोभित भैया का सारा, शोभित भाई ने बहुत अच्छा इंतजाम खाने पीने से लेकर के पतंग से लेकर के पूरा कहते कोऑर्डिनेशन से लेकर के बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छा और इनका कहना अगले साल इससे भी अच्छा होगा, बिल्कुल अगले साल और बिल्कुल कहते होगा, बिल्कुल ये देखिए ये देखिए ये देखिए बहुत ही ज्यादा पीछे कुर्सी उर्सी जुटते जुटते बच गई, अभी है पतंग है उनकी, अभी उनकी एक पतंग है,
देखिए बहुत सही और बिल्कुल बस एंडिंग है अब। बस नितिन भी यहीं रख के लड़ाएंगे ना, चरखी रख दे किनारे। फोन करूं किशन भैया को क्या हम लोग पतंग उड़ी थी। अच्छा अच्छा।